एनएमएलएस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन माने यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन तारो फैमिली ठारो बा ग्रुप 15 एलिमेंट्स गुड़ा ठारो ये डिफरेंट रहुचि। नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इट शोज एनएमएलएस बिहेवियर एंड डिफर्स फ्रॉम वन अनदर द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 15। द मेन रीजन फॉर दिस डिफरेंस आर फर्स्ट हूँ देखो एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, देन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये चार्टा रीजन पे नाइट्रोजन आउ बाकी एलिमेंट ठारो बा तारो ग्रुप 15 एलिमेंट ठारो कौन हो डिफरेंट रहुचि। तो इटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल के आम भाईपर कहीं प्राय तो पखापाखि 2 मार्क्स ये आसवर चान्स थे ला। तो ये सहित कौन तार कौन सी प्रॉपर्टी मध्य तुम पचार से प्रॉपर्टीटा पढ़ा एवं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15। फर्स्ट हूँ मोर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इट्सेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। या मैंने कौन नाइट्रोजन केवल निज सहित बा अदर एलिमेंट्स सहित जो मानकर स्मॉल एटॉमिक साइज हो आ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने स्मॉल साइज आउ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो से कौन कर मल्टीपल बॉन्ड तैयारी कर समस्त सहित ना केवल जो मान पे दुटा रीजन थी दुटा कंडीशन थी से पाखे ही ये मल्टीपल बॉन्ड तैयारी कर। तो देखिए फर्स्ट पी पाई बॉन्ड कौन देखा अब देख एटा हूँ नाइट्रोजन है आम एन टू मॉलिक्यूल। तो देखो ये तार हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आमर है देन देखो तो 1s 2s तो फुल अच्छी 1s 2s एटा 2s है ये 2s तो यहाँ 1s 2s फुल अच्छे टूपी देख टूपी गोटे गोटे इलेक्ट्रोन अच्छी तो यहाँ 2s एटा 1s ये सब टूपी गुड़ाक है टूपी ऑर्बिटल गुड़ाक देख तो ये यहाँ तो बॉन्ड तैयारी यहाँ हूँ फर्स्ट बॉन्ड टाइम जानते हैं सिग्मा हम आम जानचु देन नेक्स्ट जो बॉन्ड तैयारी हे तो से भितर तो पाई बॉन्ड तैयारी होगा ये जो पाई बॉन्ड तैयारी होगी ये इलेक्ट्रॉन कौड़ आसी ये देखो पी ऑर्बिटल तो यार पी ऑर्बिटल तो देखिए देन ये जो पाई बॉन्ड तैयारी है ये जो पाई बॉन्ड तैयारी है ये जो पी ऑर्बिटल आउ ये पी ऑर्बिटल भितर ता माने ये पाई बॉन्ड तैयारी हला पी पाई बॉन्ड बोले कह जाए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो पाई बॉन्ड तैयारी हला तो यार इलेक्ट्रॉन आउ ए टूपीजेड ए टूपीजेड ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन आसिके तो ये पाई बॉन्ड तैयारी हो तो एटा होची हमरो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स कहीं देखो नाइट्रोजन तीन टा बॉन्ड रोच एन टू भर कौन हो नाइट्रोजन तीन टा बॉन्ड रोच तो फर्स्ट बॉन्ड हूँ आम सिग्मा देन पाई देन पाई ला फर्स्ट सिग्मा देन पाई तो ये जो पाई बॉन्ड तैयार होठ आसा है तो देखिए जेहेतु ये पाई पी ऑर्बिटल आणुक ये जो पाई बॉन्ड गुड़ाक पी पाई बॉन्ड मध्य कहा जाए आ देखिए
जो केवल जहाँ स्मॉल एटॉमिक साइज थी है तो नाइट्रोजन कौन कर पी पाई पी मल्टी बॉन्ड बॉन्ड तैयारी करुच्छी विथ इट सेल बोली कहुच आउ हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ थी से सहित कौन कर से मल्टीपल बॉन्ड तैयारी कर देख एग्जांपल रेडी कार्बन आउ ऑक्सीजन तो तुम्हें देखि कार्बन आउ ऑक्सीजन भितर डबल बॉन्ड तैयारी हुए तो गोटे सिग्मा बॉन्ड आउ गोटे पाई बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्डटा छाड़ बट जो पाई बॉन्डटा तैयार होचे एटा होचे पी पाई बॉन्ड एटा आमर देन आमर कार्बन आउ नाइट्रोजन भितर ट्रिपल बॉन्ड रहउचे हला तेथरु गोटे सिग्मा आउ दुईटा पाई रहइबो जो पाई हेबो से पी पाई बॉन्ड हो पार है कहीं जदि से गुड़ाक पी ऑर्बिटल रु आसत से इलेक्ट्रॉन गुड़ाक देखिए कैटेनेसन कैटेनेसन मान कौन कैटेनेसन मान हूँ इट इज द प्रॉपर्टी टू मेकिंग चेन बा चेन फॉर्मेशन ये जो प्रॉपर्टीटा को हम कैटेनेसन बोली कहवा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आल्सो शोस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेसन माने सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स हमें कहवा कैटेनेसन बोली बट टू ए वेरी स्मॉल स्मॉलर एक्सटेंट देन कार्बन बट कार्बन जी सी कैटेनेसन देख पार ताठार ग्रुप 15 एलिमेंट बहुत कम देखे द रीजन इज ओनली ई बॉन्ड माने कौन एलिमेंट एलिमेंट भितर बॉन्ड जमी आम देखते नाइट्रोजन नाइट्रोजन भितर बॉन्ड सेमती एलिमेंट एलिमेंट भितर बॉन्ड कह आम ई बॉन्ड बोल देखो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस आर्सेनिक आर्सेनिक तो आपको ई बॉन्ड बोली कहा जाए तो ई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज मच लोअर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड तो कार्बन रो देखो केते अछि 347 तो नाइट्रोजन के देखो 159 एक किलो जूल पर मोल रे दिया है सब देन फास्फोरस 213 आर्सेनिक आर्सेनिक देखो 147 तो देखिबा एगोटा का हमर कोन जे ग्रुप 15 एलिमेंट्स रो हैला तो एमानक भितरु सबुठ कम के नाइट्रोजन अधिकार अच्छी तो सबुठ कम कैटेनेसन देखेबो से होची नाइट्रोजन तो एमान भितरु अधिक कैटेनेसन देखेबार कैपेसिटी का पाक अधिक अच्छे से होची फास्फोरस फास्फोरस से कोन करबो कैटेनेसन देखे परबो बट कार्बन ठारु कम हैला तो कार्बन ठारु ये कम चेन बा एते लंबा चेन बने परियो ने जति बनेबो जे कार्बन जति बनौचे ताठारु कम का चेन बनी पार फॉस्फोरस हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कैटेनेशन फॉर्मिंग साइक्लिक एज वेल एज ओपन चेन कंपाउंड से साइक्लिक बनी पार फेर ये कौन कर ए साइक्लिक कंपाउंड मध्ये बनी पार बा ओपन चेन कंपाउंड्स मध्ये बनी पार बट नाइट्रोजन कथा जो देखा आम नाइट्रोजन हैज वेरी लेस टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन एंड इट्स चेन कंटेनिंग अप टू 3 नाइट्रोजन आटम अप टू 3 नाइट्रोजन आटम केवल तीन टा ही नाइट्रोजन आटम रही पार से देख गोटे एग्जांपल दिया है ये हाइड्रोजोइक एसिड आम जो कह N3H हमारे हाइड्रोजोइक एसिड है तो देखा यहाँ तो देखो जिते बड़े कि यार हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्मूलाटा लिखीच ये तो हेच एन फेर डबल बॉन्ड एम फेर डबल बॉन्ड एन तो ये फर्स्ट ऊपर दीटा गोटे लॉन पेयर अच्छे देन प्लस टे अच्छे देन लास्ट कौन हम माइनस टे अच्छे फेर दुटा लॉन पेयर अच्छे एटा हो तार हाइड्रोजोइक एसिड रो फॉर्मूला जदि तुम कौन कर तो यू तुम कौन कर बाहर करदेव जी यार आयन देखा आम एक्चुअली तो आयन देखिए आयन देखले कौन कर तो नाइट्रोजन
तो यू हाइड्रोजन टा बाहर पड़ तो ये गोटे माइनस पलै आस बुझिपाल ए दुईटा को हटे तुम कौन कर ए दुईटा को तुम आ गए बंडे दे पार त्रिपुर बंड कोई पार एमती रखिपार तो देखो कैटेनेसन यहाँ हूँ कार्बन कैटेनेसन देखो देखो तो ये तार किसी एग्जाम्पल कार्बन जो कैटेनेसन देखा है प्रोपेन ब्यूटेन एमती बट जिते बड़े कि आम फॉस्फरस देखा है तो मुझे देखे नाइट्रोजन केमती तार कैटेनेसन देखा से तीन टा चेन वाला तीन टा एलिमेंट थी से गोटे चेन देखा है तो देखिए फॉस्फरस फॉस्फरस से कौन रेड फॉस्फरस है ब्लैक फॉस्फरस अच्छी ह्वाइट फॉस्फरस अच्छी है तो आम इलेक्ट्रोस देखिए फॉस्फरस बट जिते केवल खाली गोटे फॉस्फरस रेड फॉस्फरस है देखो रेड फॉस्फरस केमती कैटेनेसन शो कर साइक्लिक एज वेल एज चेन है तो ये दुईटा फॉर्म एक्जिस्ट कर देखो देन देखिबा आम रिएक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स द बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी लार्ज जेहेतु से मानकर कौन अच्छी बॉन्ड लेंथटा बहुत कम अच्छी तेनाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट N2 इज इनर्ट एंड अनरिएक्टिव इन इट्स एलिमेंटल स्टेट तेणुक आमर N2टा बाकु अनरिएक्टिव बा कौन कह जाए इनर्ट बोली कह जाए है प्रायत तो नाइट्रोजन रम ये देखा आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयारी करने को निजाए देखिए नाइट्रोजन देखो आम पढ़ी ये जो नाइट्रोजन गुड़ाक आम एटमॉस्फेयर के 78% अच्छे 78% अच्छी तो जेहेतु ये कहते रिएक्ट ये करूना है अनरिएक्टिव इनर्ट तेणुक 78% अच्छे जब रिएक्ट करते तो 70% एटमॉस्फेयर आम पाई ना जमी ऑक्सीजन कम परिमाण मिलते से आम पाई था बुझीपाला ना तो मैक्सिमम कोवेलेंस देखा अब यहाँ गोटे प्रॉपर्टी तो नाइट्रोजन हैज ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स एंड हैज नो डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन कैन शोस ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फोर जेहेतु यार डी ऑर्बिटल नहीं तो मुझे देखी नाइट्रोजन होची आमर केते सेवेन से कौन या पाखे हूँ 1s2 2s2 2p3 है 1s2 2s2 2p3 अच्छी है तो मैंने पी नहीं है पी नहीं ये ये तो पी नहीं तो सी कौन कर ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है चार ठार अधिक देख पार ना तो यार हाइस्ट रेंज हो चार से कौटी कौट देख आम NH4 तो NH4 देखा तो ये आम NH4 देखा ये जो NH4 अच्छी तो ये यार चार्टा बंड तैयारी कर NH4 प्लस है आज आमर R4N ये चार्टा बंड तैयारी करें यार वैलेंसी कोवैलेंसी चार चार्टा बंड तैयारी कर पार्टी या ठार अधिक देखे पारे नहीं कहीं या पाखे पी ऑर्बिटल ना सॉरी डी ऑर्बिटल ना तेणुक ये मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 4 जाए देखे पार है तीन देखे पार कहीं देखिए एमोनिया पाखे नाइट्रोजन देख तीन टा बंड अच्छे एमोनिया पाखे कोवेलेंसी तीन आउ आम जो कि एमोनियम आयन रे तो सीट हम 4 हो तो बाकी गुटाक फॉस्फोरस बाकी ये कौन से भारी डी ऑर्बिटल अच्छे से मैक्सिमम कोवेलेंसी देखे पारे मोर देन 4 मत देखे पारे है बट नाइट्रोजन तो 4 रु अधिक देखे पार ना कहीं सिंपल रीजन तुम जो कह तार हूँ नो डी ऑर्बिटल एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल तेणुक ये मैक्सिमम कोवेलेंसी देखे पारे ना यार रेंज हूँ अप टू 4 4टा ही से
मैक्सिमम देखे पार कम देखे पार बट चार अधिक हो पार ना डी पाए पी पाए बंडस तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स गुड़ाक बहुत कम एम कौन करेंगे डी पाए पी पाए बंड या करेंगे तो नाइट्रोजन तो ये डी पाए पी पाए बंड या करना कारण कारण ये पाखे डी ऑर्बिटल ही ना नाइट्रोजन पाखे डी ऑर्बिटल ही ना से तो ये कौन हम देखा तो नाइट्रोजन पाखे डी ऑर्बिटल ना से डी पाए पी पाए बंड या करें बट फॉस्फोरस पाखे कौन अच्छी डी ऑर्बिटल अच्छे से डी पाए पी पाए बंड या कर फॉर एग्जांपल के गोटे एग्जांपल दे देखो वो डबल बंड पी एक्स थ्री है तो ये एक्स मान हूँ कौन एक्स मान हूँ आमर फ्लोरीन क्लोरीन है और ब्रोमीन तो ये पारे बुझे पार तैयार बट नाइट्रोजन डी पाए पी पाए बोन तैयारी करानी ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू द आबसेन्स अफ डी ऑर्बिटल बट फॉस्फोरस आर्सेनिक देखे पारे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल देखियो यार नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो नाइट्रोजन सब टॉप रो अच्छी नाइट्रोजन फॉस्फोरस देन लास्ट कौन आसो बिस्मथ आमर है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ देखा नाइट्रोजन पूरा टॉप रे अच्छी नाइट्रोजन पूरा टॉप रे अच्छी तो नाइट्रोजन जैसे टॉप रे अच्छी आम जानते पीरियडिक टेबल जे टॉप रे तार नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जीवो आ तले जो मान रहे मेटालिक कैरेक्टर बा टॉप टू बॉटम बोले मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी बढ़ी आसीबो हला तो देखियो एटा होचे नॉन मेटल फास्फोरस आ हमरो नाइट्रोजन एमन होचंती नॉन मेटल तो ये हमारे मेटालॉइड्स भाई ये मेटालॉइड्स कैरेक्टर अच्छे यहाँ हूँ मेटल्स विस्मता हूँ मेटालटा देखिए फॉर्मेशन ऑफ ट्राई नेगेटिव आयन्स ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन आटम नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन्स This tendency is however less in phosphorus but absence in other elements. तो nitrogen तो ये negative ion तैयार कर पार जमी फर एक्जाम्पल आम NH3 रे तो यहाँ हूँ 3- आयन टा देख पार है बट फॉस्फोरस टेंडेन्सी कम अच्छी फॉस्फोरस ये जो 3- आयन देख टेंडेन्सी कम अच्छे बाकी गुड़ा तो ना कल चले है नाइट्रोजन देख पार -3 आयन टा तो नेचर ऑफ हाइड्राइड हाइड्राइड्स माने देखा आम NH3 तो नाइट्रोजन रो जो हाइड्राइड NH3 हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल व्हाइल द हाइड्राइड्स ऑफ अदर आर नॉट स्टेबल तो नाइट्रोजन रो हाइड्राइडटा स्टेबल फर्दर ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 undergoes हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग आम पढ़ते कहीं स्टेबल यार हाइड्रेट कहीं स्टेबल आम हाइड्रेट पढ़ते तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन हम आम एमोनिया कौन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे स्टेबल रहा बाकी गुड़ाक से हाइड्रेट एत स्टेबल नुह आम तार ऑक्साइड मत पड़े आर देखिए नाइट्रोजन रो ट्राई हैलाइड्स गुड़ाक एक्सेप्ट NF3 द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल लिखिबा
NCl3, NCl3, NBr3 and Ni3 are unstable and explosive. Explosive माने कौन? माने बमा भाया फाटबे. The trihalides of other elements are however stable. तो ये माने unstable बा explosive, ये stable. डायनाइट्रोजन, तो डायनाइट्रोजन देखिबा जी, तो डायनाइट्र कौन देखो, डायनाइट्रोजन माने होची आमर N2, N2 होची आमर डायनाइट्रोजन. डायनाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड इन 1772. ये हो जाने हमारे डैनियल रदरफोर्ड. इट एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैस. डाइएटॉमिक गैस N2, N2 है ये रहो ची मतलब सिंगल तो रह पारी बने मतलब क्या ना यार स्टेबिलिटी बहुत कम तो मोनाटॉमिक हेले ये डाइएटॉमिक हेले यार स्टेबिलिटी अधिक रहो ची तेरे को रिसे डाइएटॉमिक हिसाब रहेबो. इट एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक गैस N2 in elemental state, therefore it is also called dinitrogen. जेहेतु ये N2 है कि stable है कि रहोची, तो मैं आपको कौन कहा जाए? Dinitrogen बोल कहा जाए, हल्ला? तो dinitrogen कोई बार simple जन होची इटा. N2 है कि stability अधिक रहोची आप आखरे. तो देखिए ये तरह preparation, तो ये dinitrogen किमती prepare है वो. तो देखिए, तो commercial preparation तो है वो. हला तो कमर्शियल प्रिपरेशन माने बहुत परिमाण जे तैयारी करिवा तो एटा इजी केतळ हबो एर जेतु यार सोर्स अधिक अछि तो आकु तो डायनाइट्रोजन को एर रु तैयारी करवाटा बहुत इजी रहबो बा बहुत काने ए ते 78% का हमर कोन अछि नाइट्रोजन गैस अधिक तिन करी एर रु बाहर करिवाटा तो कमर्शियली अधिक बेनिफिट्स हबो. तो डायनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम एयर बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हला तो देखिबा तो प्रायतः आम को देखिबा इम्पोर्टेंट स्कोट है जे तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन टा. हला तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में केतरा मेन प्रिपरेशन दे जे देखो एडे तो फर्स्ट देखिबा प्रिपरेशन रे हम देखिबा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्राइट. हला एटा हमर लेबोरेटरी प्रिपरेशन गुडा को तो देखिए व्हेन इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट इज हीटेड एमोनियम नाइट्राइट इज फर्स्ट फॉर्म्ड. हला एमोनियम नाइट्राइट द फर्स्ट फॉर्म हला व्हिच इज वेरी अनस्टेबल. ए जो एमोनियम नाइट्राइट बहुत अनस्टेबल लैटर इट डिकम्पोजेस इमीडिएटली टू फॉर्म डायनाइट्रोजन गैस. देन देखिबा फेर एटा कोन हबो डिकम्पोज हेके तो डायनाइट्रोजन गैस दबो आ वाटर हेके रहि जइबो. हला वाटर हेके रहि जइबो तो एटा होची टू स्टेप रिएक्शन टा. हला बा टू स्टेप डिकम्पोजिशन रिएक्शन दुटा रे कोन होची देखो फर्स्टा कोन हबो इक्विमोलर प्रोपोर्शन मिसिबो हीट कले तमे मिलिबो एमोनियम नाइट्राइट देन एमोनियम नाइट्राइट को हीट कले कौन हम आमको नाइट्रोजन गैस मिल तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिबा देखो ये गोटे जिनस अच्छे तो जो आमर नाइट्रोजन आ वाटर या तो या सहित स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड एंड HNO3 बा नाइट्रिक एसिड आर आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन एगुडा मधे तैयार होची दीज इंप्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो ए जो आकु इंप्यूरिटी बोल कहे हमें ए जो हमें नाइट्रोस ऑक्साइड आउ नाइट्रिक एसिड जो बाहरिबो हला तो ताको कोन करिवा हमें जते बळे के हमें कोन करिवा सल्फ्यूरिक एसिड थिबा पोटेशियम डाइक्रोमेट दे पास करेबा तो ए इंप्यूरिटी गुडा को
ସେଠି ରହିଯିବ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଯିବ, ଆମ ପ୍ୟୁର ଫର୍ମରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ, ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍। ଆମୋନିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍ ସିମ୍ପଲ, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଲେ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ଡାଇନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଲସୋ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍, ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍। ଆମୋନିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମୋନିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ କି ହିଟ୍ ଦେବା ବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏଇ ଡେଲ୍ ସାଇନ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିବ, ହେଲା। ତ ଏ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଚାରିଟା ୱାଟର୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ କ୍ରୋମିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ମିଳିବ, ହେଲା, କ୍ରୋମିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍। ତ ଆମ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଠି, ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମିଳିଗଲା ଏଇଠୁ, ହେଲା, ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ, ହେଲା। ଏ ଦେଖିଛ ତିନି ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାର ୟୁଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ବାଇ ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ବେରିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍, ଭେରି ପ୍ୟୁର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ବାଇ ଦ ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ବେରିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍, ଇଏ ହେଉଛି ବେରିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ହିଟ୍ କଲେ, ହେଲା, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେ ଇଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାଲ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ବେରିୟମ୍ ମେଟାଲ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରି ଆମୋନିଆ କହିଥିଲି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପ୍ୟୁର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏହା ହେତୁ ମିକ୍ସ କିଛି ହେବ ନା ଆଉ, ହେଲା, ପ୍ୟୁର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଆଜାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିକି ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପ୍ୟୁର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବା। ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍ Na(N3) ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଇନଫ୍ଲେଟ୍ ଦ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ ଦ ସମ୍ କାର୍ସ। ତ ଏହାର ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ବହୁତ ଅଛି ଆଜିକାଲି, ଦେଖିବା କାର୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ କାର୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଲନ୍ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫୁସ୍କିନା ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ୟା ପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମେ ଦେଖାଉଛି ଏବେ, ହେଲା, କେମିତି ବାହାରୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ, ହେଲା, ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଏଇଠି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ, ହାଉ ଦ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଇନଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କାର୍ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହେବ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ହାଉ ଡୁ ଦ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଇନଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କାର୍, ମାନେ କାର୍ରେ ଯେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ତ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଲ ହୁଏ। ତ ଦେଖିବ, ୱେନ୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅକର୍ସ ଦ ସେନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଦ କାର୍ ଡିଟେକ୍ଟ ଦ କଲାଇଜନ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କ'ଣ ହୁଏ, କଲାଇଜନ୍ ହୁଏ ମାନେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେନ୍ସର୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ, ହେଲା, ଇଟ୍ ସେନ୍ସ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ୱିଚ୍ ଓଭରହିଟେଡ଼ ଦ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ଦ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଟ୍ ହେବ, ହେଲା, ହିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ଼୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନିଂ ଫୁଏଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାସ୍ ୱିଚ୍ ଗୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ ଦ ନାଇଲନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଦ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେନ୍ ହିଟ୍ସ ୟୁଆର୍ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଞ୍ଜୁରି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନାଇଲନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏତେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା,
ये जो नाइट सोडियम आजाइटा तो कौन हम सोडियम आओ नाइट्रोजन गैस रे कन्वर्ट हो आफ्टर योर हेड हिट्स द नाइट्रोजन फिल्ड बैग इट डिफ्लेक्ट्स बाय रिलीजिंग द गैस थ्रू द टाइनी होल्स द क्लाउड ऑफ स्मोक दैट फिल्स द व्हीकल्स इज एक्चुअली ए टैल्कम पाउडर. और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, फर्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस नॉन टॉक्सिक गैस. इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. इट हैज़ लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इट इज अब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल. नेक्स्ट देखिबा यार केमिकल प्रॉपर्टी, यदि तार कौन फिजिकल प्रॉपर्टी गुड़ाक केमिकल प्रॉपर्टी देख. एक्शन ऑफ लिटमस, जेहेतु एटा गोटे न्यूट्रल तो इट इज ए न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, माने कौन सी कलर चेंज करियो ना. देखिए एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल मान कौन लिथियम सोडियम एगुड़ा हूँ एक्टिव मेटल गुड़ाक जो या तो रिएक्ट कर कौन हम देखा एट हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर डायनाइट्रोजन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स. ये कौन कर तार रेस्पेक्टिव नाइट्राइड तैयारी कर लिथियम प्लस नाइट्रोजन गैस कंबाइन्स टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड्स. कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन गैस गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड्स है. तो नेक्स्ट देखा एवं एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, मैं नॉन मेटल तो किए एम रिएक्ट कर देखा ए मिक्सचर ऑफ डायनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट एट 700 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर टू फॉर्म एमोनिया गैस. एटा हार्बर प्रोसेस जो एमोनिया तैयारी करा जाए एटा हो जाए हमरो एमोनिया गैस. तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन है कौन तैयारी हम हमारो एमोनिया गैस. तो देखिबा से तो हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करियो बड़ा हाइड्रोजन गोटे भी नॉन मेटालटा. आ देखिबा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गोटे नॉन मेटाल. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क. इलेक्ट्रिक आर्क जब से मिक्सचर तुम जब रिएक्ट कर तो कौन पाइब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड पाइब. तो देखिबा आ गोटे तार प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम सिनामाइड इज फॉर्म. कैल्शियम कार्बाइड आउ नाइट्रोजन गैस को जब तुम 1273 केल्विन जब हिट कर तो कौन पाइब कैल्शियम सिनामाइड आउ कार्बन पाइब. कैल्शियम सिनामाइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एमोनिया. तो ये कैल्शियम सिनामाइड कौन कर वाटर सहित रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट दे देदेव आउ एमोनिया गैस प्रोड्यूस कर. देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर अंडर द नेम नाइट्रोलियम. तो यार ये कॉम्बिनेशन टाक नाइट्रोलियम बोली कहा जाए या फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करा जाए. जो यूजेस ऑफ नाइट्रोजन तेर बहुत गुड़े यूज देखो. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एमोनिया देन कैल्शियम सिनामाइड एटसेट्रा जहाँकि फर्टिलाइजर हिसाब से आम यूज करवा. डायनाइट्रोजन प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, माने हाई टेम्परेचर रे जमती तो आउ किए बा कौन सी एलिमेंट गुड़ा जमी या तो रिएक्ट न कर जाए स्टील आयरन गुड़ा सहित तेणुक नाइट्रोजन को इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने को यूज करा जाए कौट जे स्टील इंडस्ट्री आउ आयरन इंडस्ट्री गुड़ाक. डायनाइट्रोजन इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ वोलाटाइलेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट रो वोलाटाइजेशन को रिड्यूस करने
नाइट्रोजन गैस को यूज करा जाए कहीं ना ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर। तो नेक्स्ट देखिबा तो आउ किछि तार इम्पोर्टेंट यूज गुड़ा अच्छी जमीक लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रिफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी क्रायोसर्जरी यूज करा जाए।